हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम, वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग ही गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1911 में है, कलकत्ता में सेशन हुआ है और इसमें कौन है, बिशन नारायण अध्यक्ष थे। इसको कैसे याद करेंगे, आपने एक और एक 11 मूवी देखी होगी, संजय दत्त एंड गोविंदा की मूवी है, बहुत ही कॉमेडी वाली मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। अब यहाँ पे 1911 में आपको एक और एक 11 सी मूवी आ रही है, तो जो सेशन हुआ होगा वो भी किसी की मूवी के नाम पे हमने देखना है और उसका जो प्रेसिडेंट है वो भी किसी मूवी के नाम पर ही उठाएंगे हम। कैसे उठाएंगे ये देखिए, कलकत्ता में आपको कल वर्ड मिल रहा है और कल से कौन सी मूवी है, कल हो ना हो, कल हो ना हो। हाँ जी, तो हमारा जो सेशन है वो कहाँ पे, कलकत्ता में। और बिशन नारायण में आपको कौन सी मूवी मिल रही है, बिशन, बिशन से आपको साउंड आ रहा है मिशन, और मिशन इम्पॉसिबल किसकी मूवी है, टॉम क्रूज की, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है। तो सारे के सारे मूवीज के नाम पर जो आएंगे उसको आप टिक कर देना। 1911 में एक और एक 11, कलकत्ता में कल हो ना हो, बिशन नारायण में मिशन इम्पॉसिबल। तो ये हमारा क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1922 में है, गया बिहार में हुआ था, और सिया दास, चित्रंजन दास जो थे वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। इसको कैसे याद करेंगे, दास से आपको मिल रहा है, दास, दास से क्या मिल रहा है आपको, देवदास नहीं याद आ रहा। तो देवदास जो था उसकी जो पारो थी उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती है, उसके बाद वो रोता है और शराब पीता है, जो कि एक बुरी आदत है। तो शराब पीकर वो अपने दोस्त या अपने भाई के पास जाता है और बोलता है, आज तेरा भाई हार गया, हार गया तेरा भाई। तो इससे आपको क्या याद होता है, भाई, भाई के पास गया था तो 1922, और हार गया था तो हार से बिहार, गया से गया बिहार में, और देवदास से आपको क्या आ जाएगा, सिया दास आ जाएगा। नेक्स्ट है 1924 में क्या है, 24 घंटे आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी है क्या सोचेगा, या तो रोटी के बारे में उसको चिंता होगी या क्या होगी, पैसे के बारे में उसको चिंता होगी। तो रोटी कहां से मिलेगी अगर वो काम करेगा, काम मतलब परिश्रम करेगा, किसी पे ऊपर बल लगाएगा, तो बल से तो क्या आ जाएगा आपका, बेलगाम। और दूसरा क्या था, रोटी के अलावा पैसा, आपने देखा है कि पैसे के ऊपर फोटो किसकी लगी होती है, महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1925 में है, कानपुर में सरोजनी नायडू। 1925 वर्ल्ड में आपको देखो क्या मिल रहा है, 25 में यहां पे आपको मिल रहा है चस, और चस से बन रहा है आपका चस्क, और चस्क आपके कहां पे पड़ती है, कान में पड़ती होती है ना, जब पानी वगैरह चला जाता है तो चस्क पड़ती है, पीड़ा सी लगती है, थोड़ी सी चस्क पड़ती है। तो पिताजी बोले रोज नहाया करो बेटा अच्छे से, तो रोज नहाया करो, रोज, सरोजनी नायडू में क्या आ रहा है, रोज वर्ड आ रहा है। तो 1925 में कानपुर और सरोजनी नायडू, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, चल रही है वही बात चल रही है चस्क वाली। उसके बाद जो माता है, माता बोली नहाते तो रोज ही हैं, इनको डॉक्टर के पास लेके चलो। तो पिता बोल रहे हैं चलो कल चलेंगे, हम बस से चलेंगे, नजदीक वाले रास्ते से जाती है बस डॉक्टर के पास। तो क्या बोला पिता, कल हम बस से चलेंगे, बेसेंट में क्या मिल रहा है, बस, जो कि एक नजदीक वाले रास्ते से जाती है। रास्ते से आपका सतारा कैसे आएगा, देखो रास्ता, रास्ता वर्ड है, रा को पीछे ले जाओ, यहां से क्या बन जाएगा, सतारा या सत्रह। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1917 में कौन सा है, कलकत्ता में एनी बेसेंट। नेक्स्ट है हमारा 1921 में अहमदाबाद में अजमल खान, ये कैसे याद करेंगे। तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे, एक तो इतनी मुश्किल के साथ वो गए वहां पे, दूसरा क्या था, उस वो डॉक्टर की जो क्लिनिक है वहां पे एक मल्ल बैठा था, मल्ल मतलब पहलवान बैठा था, और वो पूरा घमंडी था, उसमें बड़ा अहम था। वो बोला कि पहले मेरी टर्न आएगी उसके बाद ही आप आना, तो ऐसे बोला था, बड़ा घमंडी था। तो एक तो मुश्किल से पहुंचे और दूसरा
वहां पे कौन था? मल्ल, जो कि अहम दिखा रहा था। तो एक तो मुश्किल से पहुंचे, दूसरा वहां पे पहलवान था, तो 1921 आ जाएगा, पहलवान मल से आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या मिल रहा है आपको? मल मल से पहलवान, और क्या दिखा रहा था आपको? घमंड, अहम। तो 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, अजमल खान प्रेसिडेंट थे। ये आपके सेशन थे आज की, इसके आगे की सेशन में अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। थैंक यू। It's not a game, it's a rage thing.